आइए दोस्तों, अब हम लेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा पे बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके डीएमआरसी मेंटेनर हो गया या लोको पायलट हो गया या यूपीपीसीएल हो गया, इन सभी टेक्निकल परीक्षाओं में जब इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ये चैप्टर है। तो इसके पूरे एक एक वीडियो लेक्चर्स हम करवा चुके हैं, पूरी क्लास हम ले चुके हैं इसकी, जो वीडियो में है अवेलेबल। और अब मैं जो है इसके क्वेश्चंस आपको आपके लिए ले रहा हूँ। तो हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि I इज इक्वल टू दे रखा है 50 sin 100 t दे रखा है, और हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं 50 पाई, 50/π, 100π और 100/π। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस सवाल को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन मुझसे जाने। और या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या फिर अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो YouTube पे इसको कमेंट इस आंसर को फटाफट आप कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, एक कंडेंसर है 280 वोल्ट पर और 50 हर्ट्ज पर काम कर रहा है, और इट टेक्स 4.4 एम्पियर वो करंट ले रहा है, और हमको बतानी है वैल्यू ऑफ सी कैपेसिटेंस की वैल्यू, और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं 70 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड, 50 माइक्रोफेरेड और 50.5 माइक्रोफेरेड। तो कोशिश कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद मैं इसके आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो यहाँ पे आइए इसका हम हल देखते हैं। तो इसका हल इस प्रकार से है दोस्तों, ये जो भी इक्वेशन दे रखी है, तो अगर आपका बेसिक मजबूत है, और जैसे मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में बताया था कि I इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है ये चीज़, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है ये। तो अगर आप इस ओमेगा टी को कंपेयर करोगे और 100 टी को कंपेयर करोगे, तो मालूम पड़ेगा कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर है 100 है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है हमारा, 2π f होता है। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी f निकालूंगा, क्या हो जाएगी, 100/2π हो जाएगी, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, 50/π लिखूंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर बच्चे जो है जो रटते हैं, कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होते, उसको सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते। वैसे क्वेश्चन अपने में बहुत आसान है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। अगर यहीं पे अगर आपको मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार सॉल्व कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप क्या बताते, तो आप क्या बताते, ओमेगा दिया हुआ है 100 और टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω होता है, ठीक है। तो 2π/ आपका 100 हो जाता, या फिर आप इसको लिखते π/50 लिखते। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक कंडेंसर है 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 4.4 एम्पीयर ले रहा है। तो दोस्तों, कंडेंसर की जो करंट हमको दे रखी है, और करंट क्या होती है, V/Z होती है, ठीक है। जेड क्या है, इम्पीडेंस है। अब कंडेंसर के केस में जो इम्पीडेंस है वो किसके कारण होगा, कैपेसिटेंस के कारण होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, V/Xc लिखूंगा, और Xc की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc होती है। तो यहाँ पे मैं V/ωc, 1/ωc होती है, तो ωc ऊपर आ जाएगा, V/ωc हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो कितनी चीज़ आसान हो गई, 4.4 करंट दे रखा है, वी दे रखा है 280 वोल्ट, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π f वी और सी होती है। ये आपको रिलेशन समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इससे, इसमें ऊपर वाली चीज़ को मैं एक बार रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, हमको मालूम करना है सी। तो सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई हमारी I/2π f V हो गई। अब आई हमको 4.4 दे रखा है, 2 × यहाँ पे हम पाई को 22/7 लेंगे, क्योंकि ऊपर 44 हमको दिख रहा है, तो कैलकुलेशन इससे इजी हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी हमको 50 दे रखी है, और वोल्टेज हमको क्या दे रखी है, वोल्टेज हमको 280 दे रखी है। अब देखो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट को नीचे ले आओ एक बार आप, ठीक है। ये 44 बन गया, 44 ये सब चीज़ कट जाएगा, ये 7 है, ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 5 यानी कि 20, और ये 3 जीरो ऊपर है,
ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 जीरो ऊपर है तो उसको लिखूंगा 10^-3 है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 20 है। तो यहाँ पे माइक्रोफेराड की बात की गई है, तो आप एक काम करो 10^-3 इसको और इंटू कर दो और इसको 10^+3 से और इंटू ले लो, तो ये 1000 हो गया, 1000/20 कितना हो गया 50 हो गया, और 10^-6 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 50×10^-6 फेराड, या कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 50 माइक्रोफेराड इसको मैं लिख सकता हूँ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें। आइए दोस्तों ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन हमारा, सॉरी 2 क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन हम लोग ये ले रहे हैं। तो इसमें ये दे रखा है कि इन एन ऑसिलेटर 2 लीटर, जिसको ऑसिलेटर को हम बोलते हैं 2 लीटर बोलते हैं, तो उसमें आवृत्ति की जो इक्वेशन बैठेगी वो क्या बैठेगी, हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1/4 πr² l² c² 1/4 πlc 1/2 πr√lc और 1/3 √lc। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो आप लोगों ने पूरे वीडियो लेक्चर्स हमारे देख लिए हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, तो आपको बनना चाहिए सवाल कैसे हमने बताया था इसको, तो इजी क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है पावर फैक्टर cos π = तो जनरली जो है वो R और Z के तौर पे तो आपको अच्छे से आता है, पर यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है जब R Z की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टेंस की, एडमिटेंस की और ससेप्टेंस की जो इक्वेशंस आती है उसकी। तो पहला ऑप्शन है GY, दूसरा ऑप्शन है G/Y, तीसरा है V/Y और चौथा ऑप्शन है V/Y। तो बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन इसका हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने YouTube कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते हैं आप सही इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते। और बाकी थ्योरी टू प्रैक्टिकल से जुड़ने के लिए हमारा जो स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स हमने करवाए हुए हैं आपके इलेक्ट्रिशियन कोर्स ITI लेवल, चाहे लोको पायलट हो, चाहे DMRC इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे UPPCL का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद यूज़फुल हमारे वीडियो लेक्चर्स है। और बाकी हमारे डेमो वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए आप हमको मोबाइल नंबर है हमारा 8003378523 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका नाम, एग्ज़ाम व सिटी, और हमारा एक और नंबर है 9588251097, तो 9588251097 और 8003378523 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमको अपना नाम, आपका एग्ज़ाम का नाम और सिटी, ये 3 इन्फॉर्मेशन दें जिससे हम आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे हम आपको प्रोवाइड करा पाए। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपेरेशन।